हेलो दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में डिजिटल मीडिया का भी एक अहम भूमिका अहम योगदान है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्रिंट मीडिया में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था पुलिस के साथ में झड़प, उसको कवर किया है। इन पेपरों के आप देख सकते हैं, इन पेपरों के माध्यम से भी मैं आपको बताता हूं कि इन पेपरों में क्या खबर चलाई गई थी। जैसे कि एक बहुत चर्चित ये पेपर है, इस पेपर के खबर में क्या प्रकाशित हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेंशनर्स का श्रम मंत्रालय पर जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प हुई। आगे खबर में लिखा है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के पेंशनरों ने दिल्ली के श्रम मंत्रालय पर जोरदार प्रदर्शन कर न्यूनतम पेंशन अभी तक न बढ़ाए जाने पर विरोध जताया। पुलिस टीम के भारी बंदोबस्त होने के कारण पेंशनरों को बार बार वहां से हटाया गया। नारेबाजी कर अनेक पेंशनर्स ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी। पुलिस ने समिति के राष्ट्रीय नेताओं और महिला पेंशनर्स के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की की, जिसका जोरदार विरोध भी किया गया। तो जैसा कि दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका कि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्रिंट मीडिया में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दिल्ली श्रम मंत्रालय के पास में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस पर प्रतिक्रिया दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के विरोध प्रदर्शन को एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्रिंट मीडिया में छापा गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर मामला ज्यों ही आगे बढ़ा, पता यह चल रहा है सूत्रों के हिसाब से कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पेंशन वृद्धि का मामला है उस पर सरकार सुनवाई करने को तैयार हो गई है। अब देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या इसी अगस्त महीने के 15 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट सामने निकल के आता है अथवा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को के जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि कल 8/8/2023 को एक जबरदस्त और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में पुलिस के साथ में जो भिड़ंत हुआ था उसका विरोध ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से करने वाले हैं 8/8/2023 को। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखने पर पता ऐसा चला है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द की जाएगी। एक बात और, 15 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारक माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त 2023 को आह्वान करें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर, क्योंकि एक देख नहीं बल्कि दो दो बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। इसी के साथ में दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन आपके विचार क्या है कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।